देखो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन क्या है, सिक्स बॉयज एंड सिक्स गर्ल्स सिट अलोंग ए लाइन अल्टरनेटिवली इन एक्स वेज एंड अलोंग ए सर्किल अगेन अल्टरनेटिवली इन वाई वेज। ठीक है, तो हमारे पास सिक्स बॉयज है एंड सिक्स गर्ल्स है, तो एक रो में बैठाने के इनको कितने तरीके हैं, वाई वेज है, ठीक है, एंड एक सर्कुलर टेबल पे या सर्किल पे बैठाने के तरीके हैं वाई। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर्स कितने हैं, ये सिक्स बॉयज प्लस सिक्स गर्ल्स टोटल कितने हो गए, 12 है। ठीक है, 12 पर्सन्स को एक रो में बैठाने के कितने तरीके होते हैं, 12 फैक्टोरियल। ठीक है, और यदि आपके पास एन पर्सन्स है और उनको एक रो या सॉरी एक सर्किल या सर्कुलर टेबल पे अरेंज करना है तो वो होता है n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से वाई क्या जाएगा, वाई सर्किल पे बैठाने के तरीके हैं। ठीक है, तो सर्किल पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 12-1 फैक्टोरियल। ठीक है, 12 स्टूडेंट है और उनके एक सर्कुलर टेबल पर बैठाने के तरीके 12-1 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 × 11 फैक्टोरियल, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, 12 × 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 12 वाई, ये रिलेशन आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 12 वाई, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इजी है।